मैम बीजेपी आएगी और कोई पार्टी में दमी नहीं है। आप खाली बीजेपी बीजेपी क्यों करते हैं? मैम काम किया है ना, इसलिए बीजेपी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे जनमन सरकार है। फ्री क्या देने वाले हैं ना, फ्री क्या देने वाले चाहिए भाई, फिर क्यों महंगा कह रहे हो? केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि साले चोर हैं। अबे पप्पू की सरकार से बड़ी चोर नहीं है कोई सरकार, हमारे राहुल गांधी। 24 में कौन आए? मोदी कोई आना है? कोई क्यों आना, आपके हिसाब से कौन आए? मोदी आएगा। चोरी डाके बंद हो गए, घोटाले बंद हो गए, और क्या, क्यों नहीं आएगा? जो 28 दल है ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये तो सारे चोर हैं। मैम सारे चोर है ना, एक साथ हो लिए, इसका मतलब समझो शेर सामने खड़ा है, सारे चोर ही साथ कर लिए, जो कहते हैं ईमानदार की पावर। 50 साल हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का राज है, अभी तक चाय वाले से डर रहे हैं, जब गाय वाला आ गया तो क्या होगा? 2024 विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, और कहा जा रहा है कि ये पार्टियों का एक रिहर्सल चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन बाजी? मैम बीजेपी आएगी और कोई पार्टी में दमी नहीं है। मैम कैसे भी जोड़ लो, पप्पू में राजस्थान में आप देख रहे हो दंगे हो रहे हैं, अरे वहाँ पे पेट्रोल के रेट भी देख लेना। आप खाली बीजेपी बीजेपी क्यों करते हैं? मैम काम किया है ना, इसलिए बीजेपी कर रहे हैं। 4-5 काम गिनवाइए ना। मैम आप सेना का देख लो मजबूत कैसे हो रही है, परमाणु का देख लो पूरा हो रहा है, हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ गए, जहाज आ गए, और क्या लोग, रोड भी देख लो ना आप, और कहीं पे ये नहीं हो रहा, दंगे हो रहे हैं। विपक्ष तो कहता है कि कोई काम नहीं हुआ है। मैम उनके जमाने में काम नहीं हुआ, हमारे पप्पू जी के। किसको पप्पू कहते हैं? राहुल गांधी है ना। मैम किसी से पूछ लो, पप्पू ही बताएगा उसको। जो चीलों को रोजगार देता हो या फिर चांद पे प्लॉट कटवाता हो, हमें ऐसे खेतों में टायर लगवा देता हूँ, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें तो मेहनत करने वाली सरकार चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी वाले या फिर पीएम जी बस दौरा करते रहते हैं, कुछ किया नहीं है उन्होंने। मैम दौरा किसने किया है? ये बात तो हकीकत है, पीएम दौरा ही करता है और कोई काम नहीं करता है। एक बात बताओ, जम्मू में 26 जवान हमारे मरे थे, तब क्या करा पीएम ने? उससे पहले भी तो बहुत सेना की डेथ। फिर कितने मरे थे ये भी बता दो ना, पाकिस्तान के कितने मार के आए थे ये भी बताओ ना। अरे वो तो उनका अपना जो सीक्वल उन्होंने बनाया था वो उनका मैटर था, उन्होंने क्या करा? आपके हिसाब से किसने क्या करा ये बताइए, किसी ने कुछ? अरविंद केजरीवाल सबसे जनमन सरकार है। फ्री क्या देने वाले है ना, फ्री क्या देने वाले चाहिए भाई, फिर क्यों महंगा कह रहे हो भाई? नहीं एक बात बताओ, जब लॉकडाउन के अंदर है सब कुछ बंद करवा दिया, मंदिर तक बंद करवा दिया, ठेके क्यों खुलवा दिए? ठेके क्यों खुलवाए? अच्छा रखा है, कौन खुलवाया? कौन मोदी जी ने खुलवाए थे, मोदी जी ने लॉकडाउन लगवाया। अच्छा। और क्या, सरकार केंद्र सरकार की कमाई किससे है? सरकार किसकी जो ठेके खुलवाए? केजरीवाल जी। तो फिर तो मोदी ने कहा खुलवाए, केजरीवाल ने खुलवाए, मोदी ने खुलवाए? अरे लॉकडाउन भी तो उन्होंने लगवाया था, तो लॉकडाउन उन्होंने लगवाया तो ठेके तो केजरीवाल ने खुलवाए। सरकार कभी नहीं करती, केंद्र सरकार करती है जो करती है, केंद्र सरकार का काम है जो केंद्र सरकार, केंद्र बिना सेकंड जब केंद्र सरकार करती है तो फिर मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर कैसे चले गए? केंद्र सरकार का राजनीति है सब। ओहो भाई साहब पहले पूरी नॉलेज लेके आओ। नॉलेज तो बहुत ले रखी है हमने, नॉलेज तो बहुत लेके। एक बात बताओ, आप कह रहे कि ठेके पीएम जी ने खुलवा दिए? हां बिल्कुल बिल्कुल। सरकार किसकी थी पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी थी पूछे ना भाई साहब। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उनसे पूछो सरकार किसकी थी। जा रहा है जेल में, कौन जा रहा है फिर? ये जेल में इस टाइम कौन है? मनीष सिसोदिया या जो भी है, ठीक है तो फ्री में चले गए? राज्य सरकार का इंसान है ना जो भी है, ठीक है। केंद्र सरकार का कोई भी नेता अभी तक जेल में गया? क्यों जाएगा, कुछ करेगा तभी। क्यों नहीं, साले चोर एक नंबर के। किसको चोर बोल रहे हैं? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि साले चोर हैं। अबे पप्पू की सरकार से बड़ी चोर नहीं है कोई सरकार, हमारे राहुल गांधी। केजरीवाल तो चार दारू के घोटाले में जा चुका, मैं चोरी है ना। ये कह रहे हैं कि दारू के ठेके ना बीजेपी वाले खुलवाए केंद्र सरकार। ये पूछो ना सीएम कौन था, क्या लग रहा है अंकल 2024 में कौन है? मोदी कोई आना है? मोदी देखो ना, कोई क्यों आना आपके हिसाब से कौन है? मोदी आएगा। अच्छा मोदी क्यों आएगा? सही आदमी है और क्या। चोरी डाके बंद हो गए, घोटाले बंद हो गए, और क्या, क्यों नहीं आएगा? जो 28 दल है ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये तो सारे चोर हैं, सारे के सारे चोर हैं। एक छोटी सी मेरे को चीज बताओ, लालू जो है वो क्या करता था वहाँ पे बिहार के अंदर, क्या था बताओ, अगर आपको पता तो। मैं तो पता है, आप बताइए।
एक शिक्षक ही तो था, है मुलायम सिंह क्या था, शिक्षक था, आज हजारों करोड़ रुपया उसके उनके 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 बाप की कौन सी जो जो वो थी फैक्ट्रियां जो हजारों करोड़ रुपया आ गए बताओ। लालू यादव कुछ नहीं किए ऐसा है, सरकार है मैम, सारे चोर है ना, एक साथ हो लिए, इसका मतलब समझो शेर सामने खड़ा है, सारे चोर ही साथ कर लिए, ये कहते हैं ईमानदार की पावर, अकेला खड़ा है ना। क्या कह रहे हैं लालू यादव जी ने, चाला घोटाला किया बिहार का सर्फ एकदम सोना की तरह बना दिया है, चाला घोटाला उसके और बाकी पैसा एकदम घोटाला बाज है, सड़क बना। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलिएगा, वो तो बहुत विकास कर रहे हैं। कुछ विकास नहीं है बिहार में, कुछ नहीं है बिहार में, सब वही खंडर पड़ा हुआ है। फिर से चुनाव आ रहा है, कौन जीत, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, वो आना उनको। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, इतना रोजगार दे दिया है कि घर घर छोटे छोटे बच्चे दारू बेच रहे हैं, अब कितना रोजगार चाहिए आप लोगों को, कहते हैं कि विकास कर रहे हैं। उनको बड़े होके काम करने की जरूरत नहीं, पैदा होते ही काम मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे घर दारू पहुँचा रहे हैं तो उनको रोजगार तो मिल ही गया, रोजगार की कमी कहाँ, शराब बंदी है, बंदी कौन कह रहा, बंदी कहाँ से, घर मिल रहा, घर पे। आप बिहार में कौन से ब्रांड की दारू पी सकते हो, और महंगी से महंगी सस्ती सस्ती, इसे एक और रोजगार मिला है बिहार में, जितने होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी बिहार में, जितने स्वर्ण व्यापारी है, जितने सीएसपी वाले हैं, जितने बैंकिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, और कहीं अपना जैसे सीएसपी वाले दुकान खोल के बैठे रहते हैं, ले जाओ कट्टा लगाओ पैसा दो जाओ, रोज आज न्यूज उठा लो, हर हर पांच न्यूज तो आएगा ही। जाति जनगणना पर क्या बोलिए, जाति जनगणना में कुछ नहीं है, बस लोग जो ये विपक्ष वाले पार्टी है उनके दिमाग में घूम रहा है कि जाति जनगणना करने से हमें वोट मिल जाएगा। धर्म से बांटो और अपना शासन करो, ये पागल बनाना खत्म हो चुका, पागल वाला आया था जब से उनका वही नीति था। हम देखने वाले हैं, वे नहीं है फ्री की टट्टू वाले, अब काम देखेंगे किसने किया उसे वोट देंगे, वो भी आज की डेट में समझता है, दारू के चक्कर में पानी बिजली के चक्कर में नहीं वोट देनी, केजरीवाल है जो पानी बिजली का खेल खेल रहा है। शक्तिमान, शक्तिमान आप पहले आते शक्तिमान बताइए, अरे भाई साहब 28 दल कोई एक तो सही होगा ना उसमें, एक मिनट आप ही बता दो, आप बताओ जनता, हम तो कह रहे हैं चोर है सारे चोर हैं, सभी चोर हैं। अच्छा एक सेकंड, सबको चोर क्यों बोल रहे, चोर कोई जला भाई होता है ना, चोर मौसेरे भाई, चोर किया ये बताओ ना, इन 28 में से कौन सा मंत्री सीएम ऐसा है जिसने घोटाला नहीं किया ये बताओ। जितने चोरों पे आज के कानून पे जो प्रक्रिया चल रहा है हमारा, 2014 से पहले का केस है, आज मोदी सरकार जो खुलवा के वो काम कर रही है, बाकी तो केस उनके पहले का ही है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि जो ईडी का छापा पड़ता है, जो रेड पड़ती है, वो राजनीति है और इसको बीजेपी वाले ही लागू कर। केस तो पहले का 2014 का पहले का चला, चारा घोटाला पहले हुआ ना 2004 में 5 में, कब हुआ था ये, पहले का केस है, आज खुल रहे हैं और ईडी सब काम कर रहा है अपना, जितने संस्थाएं हमारी काम कर रही है, बस ये केस बनाते थे लेकिन उसको चलाते नहीं थे, सिर्फ दिखाते थे। अब चुनाव में कौन बाजी मारेगा, अब जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, पीएम जी ही बनेंगे या कोई और, पीएम मोदी ही आएंगे, मोदी जी। आप 25 से पूछोगे ना, 25 में से 2 मिले, मैडम आने वाले 40 साल मोदी को कोई हिला नहीं सकता, मोदी जिंदा रहे ना रहे बीजेपी जी रहेगी, बीजेपी जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी, मोदी जी जिंदा, मोदी जी के बाद योगी, हाँ 50 साल हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का राज है। अभी तो चाय वाले से डर रहे हैं, जब गाय वाला आ गया तो क्या होगा, सींग ही बढ़ेंगे। ये लोग तो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि ये लोग भी बाजी मार सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि बाजी मार सकते हैं। इससे पहले मेहनत नहीं किया, 19 में मेहनत नहीं किया था, मारेंगे क्या मारेंगे, हैं बाजी मारेंगे कि नहीं, हार का रिकॉर्ड बनाएंगे, 19 में नहीं किया था मेहनत, हैं हार का रिकॉर्ड बनाएंगे कि 26 बाल्टियां लुट गई। मैम 19 में नहीं मेहनत की क्या, 14 में मैं मेहनत नहीं की क्या, अब 24 में भी कर लेंगे, हार का रिकॉर्ड तो बनना है, अब बीजेपी आएगी फुल मोर्चे से आएगी, सारा पैसा जो इनका है ना, जितने इनके वो हैं सब अंदर आएगा, इटली जाएंगे राहुल गांधी जी हारने के बाद, इटली जाएंगे क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, वरना ये भिकमंगे बन के घूमेंगे इस रोड पे। देख क्या बोलेंगे भाई साहब, 2024 में कौन आएगा, मोदी जी आएंगे, कौन आएगा और क्या, मोदी जी ही क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, विकास के आए आएंगे मोदी जी, आएगा राहुल गांधी, गठबंधन का सरकार बनेगा, बनेगा, अरे गठबंधन की सरकार बन रही है, बन गई है। एक
क्यों बन रही है गठबंधन की सरकार? अरे मजबूत है, मजबूत मजबूत मजबूत, हाँ दिल्ली से मजबूत हो गया है, किसी का सुनने से नहीं सुनेगा, मजबूत हो गया। एक तो लकड़ी है, बड़ी की लकड़ी का तो कोई भी तोड़ ले, ठीक है। मोदी है ना एक लक्कड़ है,